जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग मामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11 क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के अध्याय दूसरा संबंध एवं फलन यानी रिलेशंस एंड फंक्शन की प्रश्नावली 2.2 को हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है, इस पूरे एक्सरसाइज में आप लोगों को प्रांत, सहप्रांत और परिसर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम एक जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसी क्वेश्चन में हम आपको बता देते हैं कि प्रांत किसे कहते हैं, सहप्रांत किसे कहते हैं और परिसर किसे कहते हैं, हम आपको यही बतला देंगे। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। मान लीजिए a इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन 14। तो ये समझ लीजिए कि एंड सो ऑन का मतलब बीच में जो संख्याएं छुटी हुई हैं वो सब, यानी a की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो जाएगा। और r इज इक्वल टू, देखिए इसमें रिलेशन दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है। कैसा संबंध है? एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक्स और वाई में ऐसा संबंध है कि 3x माइनस वाई की वैल्यू 0 है और एक्स तथा वाई दोनों ही a का एलिमेंट होगा। एक्स भी a का एलिमेंट होगा और वाई भी a का एलिमेंट होगा। तो प्रश्न में आपसे कह रहा है तो a से a का एक संबंध r लिखिए। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि संबंध r लिखिए, फिर इसके बाद इसका प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि अब यहाँ पर दिया क्या है। आप देखिए x और y के बीच में रिलेशन दिया है, रिलेशन दिया हुआ है 3x माइनस वाई इजकल टू 0। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो y इजकल टू हो जाएगा 3x। अब देखें आप ज़रा, और यहाँ पर एक शर्त भी दिया है कि x y इज एलिमेंट ऑफ a, यह x और y दोनों a का ही एलिमेंट है, यानी ये दोनों a में होना चाहिए। ज़रा देखिए, अगर हम x बराबर 1 रखते हैं, देखिए x के जगह पे 1 रखते हैं तो y की क्या वैल्यू मिलती है, तो y इजकल टू 3x है, x के जगह पे 1, तो 3 इंटू 1 इजकल टू 3 हो जाएगा। यानी पहला संबंध x और y में 1, 3 रहा। देखिए यही संबंध x y है, तो पहला संबंध 1, 3 का रहा। अब इसके बाद अगर x के जगह पे 2 लिखते हैं तो y इजकल टू 3 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 6। तो पहला रिलेशन हो जाएगा 2, 6। अब इसके बाद अगर x के जगह पे हम 3 करते हैं तो y इजकल टू 3 इंटू 3, यानी y इजकल टू 9 हो जाएगा। और फिर देखें यहाँ पर ये अगला रिलेशन होगा 3, 9। इसके बाद अगर हम x के जगह पर 4 कर देते हैं तो y इजकल टू 3 इंटू 4, यानी ये हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 4 और 12। और ज़रा देखते हैं अगर x के जगह पे हम 5 कर देते हैं तो y के जगह पे क्या हो जाएगा, y इजकल टू 3 और x के जगह पे 5, यानी 15। तो अब देखिए आप ज़रा, क्वेश्चन में शर्त आपको दिया हुआ था, शर्त ये था कि x और y दोनों a के एलिमेंट होने चाहिए। तो देखिए पहले वाले में 1, 3 a का एलिमेंट है, मान a में है, ये 2, 6 भी a में है, a का एलिमेंट है, 3, 9 भी a में है, 4, 12 भी a में है, लेकिन 5 तो है लेकिन 15 इसमें नहीं है, क्योंकि ये 14 तक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि यह रिलेशन इसमें नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि a से a पर एक संबंध लिखिए। तो देखिए यहाँ संबंध r इजकल टू हम लिख देते हैं,
तो पहला संबंध जो प्राप्त हुआ था वंध्रे, दूसरा संबंध आपको प्राप्त हुआ था 2-6, तीसरा संबंध 3-9 और फिर चौथा जो संबंध आपको मिला था ये 4-12 था। तो आपसे यही कहा जा रहा था कि संबंध लिखिए, ए से ए पर संबंध लिखिए, तो देखिए ए से ए पर हमने संबंध लिख दिया। अब इसके बाद देखें आपसे फिर आगे क्या पूछा जा रहा था। तो पहले आपसे संबंध पूछा जा रहा था, संबंध हमने लिख दिया, फिर आपसे प्रांत कह रहा है, तो आप जरा ध्यान से सुनिए। इस संबंध में देखिए कहीं भी संबंध होता है तो यक्स वाई यक्स वाई यक्स वाई यक्स वाई होता है, तो जो यक्स का मान होता है ना वही प्रांत होता है। ये याद रखे रहिएगा कि किसी भी संबंध में यक्स का जो मान होता है वही प्रांत होता है। तो हम यहाँ प्रांत लिख दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये प्रांत आपको निकल गया। अब इसके बाद हम सह प्रांत लिखेंगे, तो जानते हैं सह प्रांत क्या होता है, यक्ष के सभी संभावित मान होते हैं। मतलब समुच्चय में यक्ष का जितना भी मान दिया होता है वह सभी सह प्रांत होता है। तो सह प्रांत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो याद रखे रहिएगा ये सह प्रांत है। अब इसके बाद आता है परिसर, तो परिसर मतलब y के जितने भी मान होते हैं सब परिसर होते हैं। तो चलिए यहाँ पर y का मान देखिए क्या है, 3, 6, 9, 12, तो ये हो जाएगा 3, 6, 9, 12, ये परिसर हो गया। तो इस प्रकार आप दिमाग में रखे रहिएगा कि अगर आपसे प्रांत ज्ञात करने के लिए कहता है तो संबंध में जो यक्ष का मान होता है वही प्रांत होता है, अगर सह प्रांत ज्ञात करने के लिए कहता है तो समुच्चय में संभावित यक्ष के जितने भी मान होते हैं वो सभी सह प्रांत होते हैं, और अगर परिसर आपसे ज्ञात करने के लिए कहता है तो y के जितने भी मान होते हैं ये संपूर्ण मान परिसर होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय R पर। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर का सेट है, समुच्चय है, और इसमें संबंध R दिया हुआ है यक्स वाई सच दैट वाई इजकल टू एक्स प्लस 5, और यक्स संख्या 4 से कम है। यक्स को डिफाइन किया है कि यक्स का मान 4 से कम होगा, और फिर आपसे ये भी बता दिया है कि यक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ यन, यक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर होंगे। और फिर क्या कह रहा है, द्वारा संबंध आर परिभाषित कीजिए, संबंध आर परिभाषित करना है। तो चलिए संबंध हम निकालेंगे। देखिए वाई इजकल टू दिया हुआ है एक्स प्लस 5 और यक्ष के बारे में बताया है कि यक्ष का मान 4 से कम होगा, यानी यक्ष का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि कह दिया है 4 से कम होगा। तो अब देखते हैं अगर यक्ष के जगह पे 1 रखेंगे तो वाई इजकल टू 1 प्लस 5 यानी 6 हो जाएगा, यानी ये रिलेशन हो जाएगा 1-6। अब अगर यक्स के जगह पे 2 रख देंगे तो वाई इजकल टू 2 प्लस 5 यानी 7 हो जाएगा, यानी ये रिलेशन हो जाएगा 2-7। और यक्स के जगह पे अगर 3 रख दें तो वाई इजकल टू हो जाएगा 3 प्लस 5 यानी हो जाएगा 8, तो रिलेशन हो गया 3-8। अब देखें प्रश्न में कह रहा है कि इस संबंध को लिखिए, तो संबंध को रोस्टर रूप में लिखना है। चलिए हम संबंध R इजकल टू लिखते हैं, तो देखते हैं पहला जो संबंध मिला था 1-6 मिला था, हम यहाँ लिख देते हैं 1-6। दूसरा जो संबंध मिला है वो 2-7 मिला है, और इसके बाद तीसरा जो संबंध मिला है यह 3-8 मिला है।
तो यह संबंध रोस्टर रूप में हमने प्राप्त कर लिया। और फिर देखें अब इसमें क्या आपसे कह रहा है, अब इसका प्रांत पूछा जा रहा है। तो प्रांत के बारे में हमने बताया कि यक्ष का जितना भी मान होता है प्रांत होता है। तो देखिए यक्ष का यहाँ मान 1, 2, 3 है, तो ये हो गया 1, 2, 3 प्रांत हो गया। अब इसके बाद परिसर पूछ रहा है, तो परिसर परिसर जो होता है वो वाई का मान होता है। तो परिसर यहाँ देखिए ये वाई वाला मान हो जाएगा, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि आज ये जो आपको दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महावना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और इसके साथ साथ अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।